हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बोर्ड के बारे में जिसका नाम तो लोगों ने बहुत बार सुन रखा है। उसकी जो टेक्निकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो आज हम उन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। और उस बोर्ड का नाम है बाइसन बोर्ड। ये बाइसन बोर्ड क्या होता है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इस तरीके से इसको बनाया जाता है, इसकी किस साइज़ में अवेलेबल है, किस थिकनेस में अवेलेबल है, क्या प्राइस ये कोड करता है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके ये बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, मैं कुलदीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर टेककराफ्ट। हमारा ये चैनल मॉडल के जैसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को वीडियो के जरिए लाता रहता है। अगर आप भी इस तरह के वीडियो देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को नीचे सब्सक्राइब कीजिए, उसके अंदर बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर बटन दबाइएगा, जिससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें और आपसे कोई भी वीडियो हमारी मिस ना हो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ये बाइसन बोर्ड होता क्या है। देखिए, ये जो बाइसन बोर्ड है ये NCL ग्रुप्स के द्वारा बनाया जाता है। और NCL ग्रुप जो है, इसने बाइसन वर्क्स के नाम से जो जर्मनी की कंपनी है उनके साथ कोलैबोरेट होकर इस बोर्ड को बनाया है। ये एक तरह का सीमेंटेड बोर्ड होता है जिसके अंदर 62% सीमेंट होता है, 28% इसके अंदर वुड पार्टिकल होते हैं और जो 10% होता है उसके अंदर इसका वाटर और केमिकल दोनों मिक्स होता है। तो ये एक तरह का कॉम्बिनेशन है जो इसकी ड्यूरेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और ये कंप्लीट पूरी तरीके से सीमेंटेड बोर्ड है। दोस्तों, इसका कलर आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा येलो कलर के अंदर आपको मार्केट के अंदर मिलेगा। और दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। अगर हम इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो इसके अंदर जो इसकी डेंसिटी है 1250 से 1300 kgs होती है। दोस्तों, अगर इसके ऊपर हम बात करते हैं इसके स्मूथ सरफेस की, तो लेमिनेट भी इसके अंदर बहुत ईजीली हो जाता है। और इसके ऊपर अगर हम किसी तरह का कोई पेंट अप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आते हैं। इसके अलावा इसकी इलास्टिसिटी, इसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और जो नेल की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी बेटर होती है। इसके अलावा अगर हम इसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें वो भी बहुत अच्छी होती है। यानी कि अगर हम इस बोर्ड के अंदर होल करके अपने स्क्रू को कस देते हैं और अगर उसको निकालने के बाद हम दोबारा से सेम होल के अंदर उस स्क्रू को कसते हैं तो उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत हायर साइट होती है। यानी कि पूरी तरीके से ग्रिप के साथ वो स्क्रू को पकड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, ये फायर रेजिस्टेंट है, यानी कि आग नहीं पकड़ता है। वाटर रेजिस्टेंट है, पानी का भी इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। टर्माइट रेजिस्टेंट है, टर्माइट भी इसके ऊपर काम नहीं करती है। इसके अलावा इस बोर्ड के अंदर कभी भी फंगस भी नहीं लगता है, यानी कि जो उसकी ग्रोथ होती है वो कभी भी इस बोर्ड के अंदर जो है नहीं हो पाती है। दोस्तों, इसके अंदर केमिकल की जो स्टेबिलिटी है वो भी रहती है, यानी किसी तरीके का अगर कोई केमिकल इसके ऊपर गिर जाता है तो ये बोर्ड ख़राब नहीं होता है। इसके अलावा इसकी डायमेंशन की जो स्टेबिलिटी है वो भी एज इट इज़ रहती है। यानी कि जो बोर्ड की थिकनेस अगर आप चारों ओर से देखेंगे तो अगर हम इसको एक्सटीरियर में भी अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो हीट जनरेट होती है, जो सूरज की रोशनी या धूप पड़ती है या बारिश पड़ती है, धूल मिट्टी कितना भी इसके ऊपर इफेक्ट पड़ जाए तो ये वेदर रेजिस्टेंट है। इसके ऊपर कभी भी इसकी डायमेंशन के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जिस तरीके से आप वुड को यूज़ करते हैं अपने घर में फर्नीचर बनाने के लिए, उसी तरीके से आप इस बाइसन बोर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कटिंग, टेपिंग सब इसमें बहुत ईजीली हो जाती है। दोस्तों, इसका जो साइज़ मार्केट में अवेलेबल है वो 8x4 का और 10x4 का, ये इन दोनों साइज़ के अंदर मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम बात करते हैं इस बोर्ड की थिकनेस की, तो ये 6mm से लेके 40mm तक की थिकनेस में मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इसकी हैंडलिंग और इसकी स्टोरेज वो भी बहुत ईजी है, मतलब किसी तरीके से इसके अंदर ख़राब होने का कोई भी चांस नहीं है। दोस्तों, अब बात करेंगे इस बोर्ड को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप किचन, वार्डरोब, LCD यूनिट, वैनिटी, क्रोकरी कैबिनेट, शू रैक, यानी कि किसी भी तरीके का कोई कवर्ड या बॉक्स अगर आप बनाते हैं तो वहाँ पे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पार्टीशंस की बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये फायर प्रूफ होते हैं और कहीं ना कहीं साउंड को भी रिड्यूस करते हैं, यानी एक तरह से इसको साउंड इंसुलेशन का जो पॉइंट है वो भी इसके अंदर कहीं ना कहीं मिल जाता है। दोस्तों, इस बोर्ड को आप वॉल पैनलिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सटीरियर के अंदर जो इसकी CNC जाली जो होती है वो कटिंग करके आप लगा सकते हैं,
क्योंकि वेदर रेजिस्टेंट होने की वजह से इस पर पानी का, धूप का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इजीली आप वहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों हमारी जो फॉल सीलिंग हो या फिक्स सीलिंग हो, इन दोनों के अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा ये बाहर जो डेकिंग होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों जो पैनल होम्स होते हैं या प्रीफैब शेल्टर्स जो होते हैं वहाँ पे भी आप इसको निश्चिंत होकर यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसकी कॉस्टिंग की, तो आप ये मान के चलिए अगर आप बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाई या मैरीन प्लाई को आप यूज़ करते हैं तो अप्रोक्सीमेट उसके नियर बाय इसकी कॉस्ट आती है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको, इसके जो एडवांटेजेस हैं उसकी अगर आप लिस्ट पे निगाह डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बोर्ड काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। दोस्तों कॉस्ट में बेशक ये बोर्ड बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन ये पूरी तरीके से पैसा वसूल बोर्ड है, पैसा वसूल प्रोडक्ट है। इसके अलावा इस बोर्ड को आप डोर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डोर्स के अंदर भी ये बोर्ड कामयाब होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो उसके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का अपने कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आपको लगता है कोई सवाल आपके मन में आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हमारी टीम उसके अंदर आपकी ज़रूर हेल्प करेगी। आपने हमारे वीडियो को देखा और सुना, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद।